नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। रिया की डी कंपनी पर अब शिकंजा बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये डी कंपनी ड्रग्स की वो कंपनी है जिसमें रिया ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने जो 25 नाम लिए हैं उसमें दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा होगी। ये दो नाम हैं सारा अली खान और रकुल प्रीत का। तो क्या सारा अली खान और रकुल प्रीत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि रिया से जुड़े हुए जो 25 नामों की एनसीबी के पास लिस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उन्हें भी सम्मन भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुंबई से लेकर गोवा तक अब जो ड्रग्स पैडलर हैं उन पर छापेमारी शुरू हो गई है, उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश एनसीबी ने शुरू कर दी है। तो क्या बॉलीवुड के सबसे बड़े गैंग का पर्दाफाश होने वाला है? आप याद करिए, कंगना रनौत ने सबसे पहले इसी मामले को उठाया था और कहा था कि आप अगर इस मामले को देखना है तो इसे तमाम बिंदुओं से देखें, और पहले सीबीआई की जांच, फिर ईडी की जांच, और जब एनसीबी ने इस पूरे मामले में कदम रखा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी, और रिया की गिरफ्तारी के बाद अब तार खुलने लगे हैं। रिया ने 25 लोगों के नाम लिए हैं और उनमें से दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, सारा अली खान और रकुल प्रीत। तो क्या सारा अली खान को भी अब एनसीबी के सामने बैठना होगा? क्या रिया और शौबिक और जो ड्रग्स पैडलर हैं उनके सामने बैठकर सारा अली खान को एनसीबी के तमाम सवालों का जवाब देना होगा? आप याद करिए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कैसे होती है? शौबिक नाम लेते हैं रिया का, ड्रग्स पैडलर नाम लेते हैं रिया का, और वो चैट जिसमें ड्रग्स की बात की जाती है उसी के जरिए 27A लगाया जाता है जिस पर रिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है, रिया जेल में है। और ऐसे में अगर अब ड्रग्स पैडलर सारा अली खान या रकुल प्रीत का नाम ले लेते हैं और ये कह देते हैं कि हाँ, इन्होंने कभी मुझसे ड्रग्स खरीदा था, यही ड्रग्स मेरे जरिए लेते थे, तो ऐसे में उनका भी जेल जाना तय मानिए। ऐसे में अब रिया ने जो जो नाम लिए हैं इन तमाम नामों को अब सलाखों के पीछे जाना होगा। सबसे बड़ी बात ये जो शुरुआती दिनों से ही चर्चा में है कि क्या बॉलीवुड का तथाकथित गैंग जो है वो ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिसके जरिए सुशांत जैसे उभरते हुए सितारों को आत्महत्या करना पड़े। क्या ये गैंग ड्रग्स की ऐसी खेप पहुंचाए हुए है जिसके जरिए लोगों के सोचने समझने की शक्ति को ये सीमित कर देते हैं? इन तमाम सवालों पर अब एनसीबी जांच में लगी हुई है, और साथ ही एनसीबी इन 25 नामों को भी खंगाल रही है जिनका नाम रिया ने अपनी जांच में लिया है। तो अब बस इंतजार करिए, जब कुछ बड़े नाम सामने आएंगे, कुछ बड़े पैडलर्स भी सामने आएंगे, और बॉलीवुड के इस डी गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा।